जय जिनेन्द्र, सौ वडिलो ने, भाइयों बहनों ने, अने खास करीने वंदामी नमन सामी समझी। वी आर रियली फॉर्चुनेट दैट इवन इन दिस टाइम्स वी गेट द लाप ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स, मंक्स एंड नंस। एंड टुडे ड्यूरिंग दिस चाइनीज न्यू ईयर शिबिर हॉलीडेज, समन शुत्र प्रज्ञा जी has kindly consented to lead us on a 3-day shibir. This is a shibir that will be attended by not only the folks from Singapore Jain Religious Society. Invites have also gone to the KL, Ipoh and Malacca Sangh to join us. And Samanji has also streamed this through YouTube for those in other parts of the world to benefit from the 3-day program. Samanji is very well known to the Singapore Sangh and, in fact, to the Sangh all over the world. He is the founder of Peace of Mind Foundation that does very meaningful programs for people in many parts of the world, especially in areas around Gujarat. Samanji has led especially the Singapore Jain Religious Society in many initiatives. He has hosted a group of YJS, Young Jains of Singapore, youth in programs in Rajkot. He has also been to Singapore many times to lead us in Pajoshan, in shibirs as well like this. The last time we met Samanji was in a Chinese New Year shibir at Batam. Now, although we are not in Batam today, we are all in the comfort of the house. Samanji, tame tya Gujarat ma, ane ame Singapore ma. Jem Batam ma chi, evi rite ch ame shibir ma attend kari chi, rite vichar karsu ne puro 3 divas no lap levana chi ame aa vakte Samanji. So without further ado, let me hand over to Samanji to lead us and start off the 3 days program. Vanda ami namansami Samanji. और हम आवाज आवे छे बराबर, वेरी गुड। आजे सिंगापुर जैन संघ द्वारा चाइनीज होलीडे में 3 दिवसनी शिबिर नो आयोजन आज थी शुरू थई रह्यु छे। आजे आपणे कार्यक्रम ने आगळ धपावीए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाए उसके पहले मेडिटेशन का प्रयोग करेंगे, ध्यान की मुद्रा। सब लोग जहां जहां हैं कंफर्टेबल स्थिति में 15 मिनट के लिए ध्यान का प्रयोग करेंगे। दोनों हाथ गोद में, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर, आंखें कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, मन शांत, हलन चलन नहीं, कमर गर्दन सीधी। 5 बार ओमकार की ध्वनि के साथ ध्यान का प्रयोग शुरू करेंगे।
आंखें सबकी बंद, ध्यान की गहराई में 10-15 मिनट जाने का अभ्यास करेंगे। शरीर मूर्ति की तरह अडोल, एक भी अंग में गति नहीं, हलन चलन नहीं। जहां भी है आंख बंद करके अपने भीतर जाए। मन शांत, चित्त को अब श्वास पर एकाग्र करें। आते जाते श्वास को देखें, फील करें, महसूस करें। पूरा अटेंशन, पूरी अवेयरनेस आते जाते श्वास पर। श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। महसूस करे श्वास चल रहा है अंदर बाहर। जब श्वास को देखेंगे विचार नहीं आएंगे। विचारों में उलझे रहेंगे तो श्वास फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरा ध्यान श्वास पर। माइंडफुल ब्रीदिंग मेडिटेशन। यदि मन इधर उधर जाए तुरंत श्वास पर वापिस लाए। मन आड़ू अवड़ू जाए तो तरत श्वास पर पाछू ले आओ। कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, ओनली ऑब्जर्व योर ब्रेथ। महसूस करे धीरे धीरे श्वास की गति शांत हो रही है, धीमी हो रही है, शांत चलने वाली श्वास को देखे।
अब चित्त को श्वास पर से हटा लें और फोरहेड पर कॉन्सेंट्रेट करें, ललाट पर, कपाड़ पर चित्त ने एकाग्र करो। वहां पर चमकते सफेद प्रकाश का ध्यान करें। Visualize bright white color like a full moon. पूर्णिमा का चंद्रमा ललाट पर विजुलाइज करें, देखें। और फील करें इस सफेद रंग के ध्यान से मेरा क्रोध शांत हो रहा है, मेरा शॉर्ट टेम्पर दूर हो रहा है, छोटी छोटी बात में इरिटेट होने की आदत खत्म हो रही है। आई फील complete mental peace and bliss. I feel joy inside myself. I feel calmness in my brain. I feel quietness in my heart. Three times Om sound and we will conclude the meditation. हथेली को गर्म करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप, आंखों पर प्रेस करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे हथेली को आंखों पर, स्लोली हाथों को नीचे ले आएंगे, स्लोली आंखें खोलेंगे, ध्यान का प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। ध्यान मूलम् गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम् गुरुपदम् मंत्र मूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरु कृपा
मोक्षमूलम् गुरु कृपा। सद्गुरु के पावन चरणों में भक्तिशः वंदना। सिंगापुर जैन समाज द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय जैन धर्म की विशेष शिविर का आयोजन। सिंगापुर मैनेजिंग टीम ने इस बार कोरोना की विकट स्थिति को देखते हुए इस ऑनलाइन शिविर का आयोजन किया है, जिससे घर पर बैठे सब लोगों को इस 3 दिन की छुट्टियों का पूरा पूरा लाभ मिल सके। इस बार चाइनीज हॉलीडे के कारण बाहर तो जा कैसे पाएंगे, तो सोचा कि क्यों ना भीतर जाए। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है और भीतर जाना बहुत सुखद है, बहुत समाधि का कारक है और अपने आप को टटोलने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को पहचानने का एक बहुत बड़ा अवसर हमें यह प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि इस कोरोना के कारण बहुत लोगों का काफी नुकसान भी हुआ होगा, फाइनेंशियली फिजिकली। कई लोगों ने अपने नजदीक के नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों को भी गुमाया होगा। इन सारे नुकसान को देखते हुए भी अगर हम तटस्थ बुद्धि से निरीक्षण करें तो लाभ भी बहुत हुआ है। इस कोरोना के कारण आध्यात्मिक जितना विकास हुआ है, मानसिक रूप से लोगों ने अपने बारे में जितना सोचना शुरू किया और हमारे जैसे साधु संतों के लिए जो बड़े स्पीड से देश और दुनिया में घूमते थे, उनको भी एक ब्रेक लगाकर अपने आप को ज्यादा स्ट्रोंग करने की एक सुविधा दी है। इसीलिए कोरोना के बहुत सारे लाभ है। कितनी सारी हिंसा से हम बच गए, कितने सारे आरंभ समारंभों से हम बच गए, कितने सारे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस जो हम खड़े करते थे उससे हम बच गए। और कोरोना ने हमें यह भी सिखा दिया कि घर में रहकर भी धर्म आराधना की जा सकती है, घर में रहकर भी जॉब किया जा सकता है, घर में रहकर भी हर काम किया जा सकता है, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहकर भी दुनिया से कनेक्ट हुआ जा सकता है। ये कोरोना ने हमें सिखाया। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक नई तरीके से जिंदगी जीने का मौका मिला, नए ढंग से अपने बारे में दुनिया के बारे में सोचने का मौका मिला। हम हमेशा अपने स्वार्थ की बात सोचते थे, वहां इस कोरोना के कारण हमने आसपास के लोगों के बारे में भी बहुत सोचने का हमें अवसर मिला। परिवार में साथ में रहकर कैसे एक दूसरों के साथ एक दूसरे के विचारों को समझ सके, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके, इसके बारे में भी हमें खूब अच्छा मौका मिला। तो मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ सदा भी। इस बार भी मुझे लगा कि इस कोरोना में जितना एक साल में हमने काम किया, शायद बिना कोरोना के 10 साल में भी हम नहीं कर सके। इतना हमने काम किया एक जगह रहकर भी, तो
हर चीज का अपना पॉजिटिव नजरिया भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हमें पॉजिटिव सोचना है, अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना है, ताकि अपने आसपास रहे हुए हर व्यक्ति भी, हर पौधा भी, हर प्लांट्स भी, हर वस्तु के ऊपर उसकी पॉजिटिव असर हो। मैं यदि नेगेटिव सोचता हूं तो अपने आसपास की हर चीजों पर नेगेटिव असर होती है, और मैं यदि पॉजिटिव रहता हूं तो मेरे आसपास की हर चीजों पर उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है। और एक इस बार तो एक साल से सिंगापुर वाले सब श्रावकों से डायरेक्ट तो मिल नहीं पाए, मैंने सोचा कि कमिटी वाले भी मुझे भूल गए होंगे, स्वार्थी दुनिया है, लेकिन परेश भाई, केनल भाई और सब कमिटी के लोगों ने पूरा कम्युनिकेट करके सोचा कि चाइनीज हॉलीडे है। पिछली चाइनीज हॉलीडे की परेश भाई ने मुझे याद दिला दी कि हम बाताम टापू पर बड़े उत्साह के साथ पूरा परिवार के साथ में हमने शिविर किया था, तो इस बार हम ऑनलाइन उसी विजुलाइज करते हुए कि हम ऐसी पवित्र जगह पर इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं, घर पे बैठकर भी उस भाव के साथ में हम, हालांकि पूरे दिन भर का, 3 दिन का 5 दिन का शिविर नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का शिविर है, रोज 1 घंटा देना है, 3 दिन का कार्यक्रम है, और जिसको जागना है, जिसको कुछ करना है, 1 घंटा भी पर्याप्त है, लंबा चौड़ा टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है, जागने वाले को इशारा काफी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में भी हम एलिवेट हो जाए, 1 घंटे में भी हम कुछ ऐसी खुराक प्राप्त करें कि आने वाले 1 साल तक हमें काम आए। इस भाव से आज मेरी चर्चा शुरू कर रहा हूं, इस भाव भूमिका के साथ सब जैन श्रावकों को मेरी ओर से प्रणाम करता हूं। काफी फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और फिर हम जब इंटरेक्शन करेंगे, कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे, उसमें भी हम कुछ बात कर पाएंगे। तो जो भी लोग जहां भी सुन रहे हैं, पूरे भाव से सुनने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह तन मन और भाव से इस 1 घंटे मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, ताकि हम कुछ जैन धर्म की कुछ बातों को डिस्कवर कर पाए, कुछ नए रत्नों को हम बाहर निकाल पाए, डिस्कवर द जैम्स ऑफ जैनिज्म जो हमारा टॉपिक है, तो उस टॉपिक में कुछ बातें आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। आज पहले दिन मैं सोच रहा था क्या बात करूं, तो मेरे सामने एक बात आई कि आज पहले दिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं जो सामान्य रूप से कभी कभी हम डीप में जा नहीं पाते हैं। आज हम एक मुद्दे पर बहुत डीप में जाने की कोशिश करेंगे। बात की शुरुआत करूं मैं, तो ये हमारी जो जिंदगी हमें मिली है, मुझे लगता है कि बहुत अद्भुत जिंदगी है, बहुत ब्यूटीफुल जिंदगी है। ह्यूमन लाइफ जो हमें मिली है, मनुष्य अवतार जो हमें मिला है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अद्भुत है। और इस अद्भुत जिंदगी का, इस ब्यूटीफुल जिंदगी का 2 उपयोग हो सकता है। हम चाहे तो इस ब्यूटीफुल जिंदगी को मटेरियल फील्ड में एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, हम करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं, हम बड़े बड़े बंगले बना सकते हैं, हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, हम हजारों लोगों को अपने प्रभाव में ला सकते हैं। ये एक अपनी जिंदगी का उपयोग, मटेरियली हम चाहे उतनी पीक पर पहुंच सकते हैं। और इस अद्भुत जिंदगी का एक दूसरा उपयोग है, हम चाहे तो सेल्फ एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं, हम चाहे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं, हम चाहे तो आत्मदर्शन कर सकते हैं, हम चाहे तो परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, इतना हम चाहे तो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम चाहे तो सम्यक दर्शन पा सकते हैं। तो ये दोनों अपोजिट ट्रायंगल है, एक तरफ चाहे तो मटेरियल ऊंचाई, दूसरी तरफ चाहे तो आत्मिक ऊंचाई को हम प्राप्त कर सकते हैं।
ये दोनों उपयोग में मुझे लगता है कि चाहे आप आध्यात्मिक विकास करना चाहे, चाहे आप मटेरियली डेवलपमेंट करना चाहे, दोनों के लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो चीज है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो चीज है आत्मनिरीक्षण, वो चीज है अपने भीतर में जाकर हम खुद को पहचाने कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे भीतर की कमजोरियां क्या है। ये पहला मुद्दा है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस करना। कैसे करें सेल्फ एनालिसिस, किस प्रकार का एनालिसिस करने के लिए हमें कौन सी बात ध्यान में रखनी है, तो दो तीन बातें मैं निवेदन करूं। नंबर वन, अपना आत्मनिरीक्षण आदमी को इस तरह से करना चाहिए जैसे एक दुश्मन आपको देखता हो, एक शत्रु आप पर नजर रखता हो, उस तरह से आदमी को अपने पर नजर रखनी चाहिए। एक दुश्मन की तरह आदमी को अपने आप को देखना चाहिए। अगर आप शत्रु की तरह खुद को अपने आप को देख सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपना सबसे बड़ा मित्र बन सकते हैं। यदि आपको अपना सबसे बड़ा मित्र बनना है तो दुश्मन की तरह अपने आप को देखने की कोशिश करें। दुश्मन बड़ा क्रिटिकली देखता है, दुश्मन आपको करुणा से, आपको दया से, आपको हमदर्दी से नहीं देखता है, दुश्मन आपको बहुत क्रिटिकली, आपको आलोचक की दृष्टि से देखता है। उसी तरह व्यक्ति को अपने आप को एक आलोचक की दृष्टि से, एक न्यूट्रली, अपने भीतर क्या क्या खराबी है, अपने भीतर क्या क्या गंदगी है, उसको आदमी को देखना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जब तक आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, जब तक व्यक्ति अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक कोई चांसेस नहीं है खुद को बदलने का। गहराई से समझना मित्रों, आप लाख तपश्चर्या कर लो, तपस्या करना अच्छी बात है, आप लाख स्वाध्याय कर लो, स्वाध्याय करना भी अच्छी बात है, आप घंटों बैठकर भगवान के सामने एकाग्र चित्त होकर माला गिनो, माला गिनना भी बहुत अच्छी बात है, आप करें, आप मास श्रमण की तपस्या करें, बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ करें, लेकिन इससे आप खुद को नहीं बदल सकते। तप करने वाला कर्म निर्जरा कर सकेगा, लेकिन खुद को भीतर से नहीं बदल सकता, अपनी कमजोरियों को तपस्या करने वाला नहीं निकाल सकता। घंटों तक स्वाध्याय करने वाला अपनी भीतर की कमजोरी को नहीं निकाल पाएगा। कारण यह है कि खुद की कमजोरियां जब तक दिखाई नहीं देगी, तपस्या करने से कैसे निकलेगी। खुद की कमजोरियों को मैं न्यूट्रली नहीं देखूंगा, कितना स्वाध्याय कर लू उससे मैं अपनी कमजोरियों को कैसे निकालूंगा। कमजोरियों को निकालने का पहला मंत्र है अपनी कमजोरियों को देखें, और देखने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, आंख बंद करके ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा, मेरे अंदर क्रोध कितना है, मेरे अंदर भय कितना है, मेरे अंदर लोभ कितना है, मेरे अंदर काम वासना कितनी है, मेरे अंदर ईर्ष्या कितनी, ये सब देखना पड़ेगा। तपस्वी देख नहीं सकता, किताब पढ़ने वाला देख नहीं सकता, माला गिनने वाला देख नहीं सकता, क्योंकि ये सब क्रियाएं बाहर हो रही है, भीतर देखना पड़ेगा तो आदमी अपनी कमजोरियों को देख सकता है। हमारे जैन आचार्य ने यहां तक कहा कि अपने भीतर की कमजोरियों को इस तरह से देखो कि देखते देखते आंखों में आंसू की धारा गिरने लगे। इतनी कठोर वृत्ति से अपने कमजोरियों को देखना चाहिए,
मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तपश्चर्या है, मासक श्रमण से भी बड़ी तपश्चर्या है, आंख बंद करके मैं अपनी कमजोरियों को देखूं। किस तरह से हम दूसरों की कमजोरियों को देख लेते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म दूसरों की कमजोरियों को पकड़ लेते हैं, उस तरह से हमें अपनी कमजोरी को पकड़ना चाहिए। और संसार का अर्थ क्या? आप सब लोग तो संसार में रहते हैं, अगर आपको कोई पूछे कि संसार का मतलब क्या, मैं अगर तटस्थ बुद्धि से जब आप लोगों की लाइफस्टाइल देखता हूं, आप लोगों की भागम भाग और दौड़ भाग देखता हूं, तो मुझे लगता है संसार का मतलब है चैन और बेचैनी के बीच में कसम कस, इसका नाम संसार। चैन और बेचैनी, इन दोनों के बीच में जब आदमी पीसता रहता है, इसका नाम है संसार। सैटरडे संडे आए तो चैन, और मंडे टू फ्राइडे आए तो बेचैनी। दिन में काम करने के लिए भागना पड़े तो बेचैनी, रात को नींद में सोने जाए तो चैन। कोई वीकेंड में अच्छी पिकनिक पर जाए, वेकेशन पर जाए तो चैन, और फिर घर पर आकर पेंडिंग काम को निपटाना पड़े तो बेचैनी। इस बेचैनी और चैन के बीच में आदमी की जिंदगी पिसती चली जाती है, इसी का नाम संसार है। और हर आदमी जब सुबह उठता है, और सुबह उठने के बाद पहली सूरज की किरण इस धरती पर पड़ती है, और आदमी अपनी जिंदगी शुरू करता है इस दुनिया की आपाधापी से लड़ने के लिए, इस दुनिया के चक्कर में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एक जिंदगी की यात्रा शुरू करता है। सुबह प्रकाश की पहली किरण पड़ती है और संसार के साथ युद्ध शुरू होता है। और इसीलिए सुबह उठने के पहले पहली किरण सूरज की मेरे पर गिरे उसके एक घंटे पहले, और शाम की संध्या की किरण जब छिप जाए उसके एक घंटे बाद, आदमी के लिए ये दो घंटा बड़ा महत्व का है। सुबह सूरज उगने के एक घंटे पहले का, क्योंकि सूरज उगने के बाद तो युद्ध चालू होगा, इसलिए सूरज उगने के एक घंटा पहले आदमी को खुद को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि पूरे दिन का युद्ध अच्छी तरह खेल सके, और रात को एक घंटा सोने के पहले आदमी को इस तरह से अपने आप को टटोल लेना चाहिए ताकि पूरी रात समाधि के साथ अच्छे संस्कारों को भावित करते हुए हम बिता सके। और जो लोग आध्यात्मिक है, धार्मिक है, थोड़ी आत्मा की समझ रखते हैं, थोड़े पूर्व जन्मों को जानते हैं, थोड़ा पुण्य पाप की समझ जिसको है, उसके लिए तो आत्मनिरीक्षण करना अत्यंत महत्व होता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को देखना चाहिए मेरे अंदर लोभ कितना है, मेरे अंदर लालच कितनी है, मेरे अंदर स्वार्थ कितना है, मेरे अंदर ईर्ष्या कितनी है, मेरे अंदर क्रोध कितना है, मेरे अंदर छोटी छोटी कमजोरियां अपेक्षाएं कितनी है, आग्रह कितना है, ईगो कितना है, ये सब एक आध्यात्मिक व्यक्ति को तटस्थ वृत्ति से देखना चाहिए। और इसके लिए आज मैं एक एग्जांपल आपके सामने डीपली विस्तार से डिस्कवर करना चाहता हूं, और वो एग्जांपल है जैन परंपरा के उज्जवल नक्षत्र, एक परम पवित्र ऊंची आत्मा जिन्होंने हमारे जीवन के लिए बड़ा उपकार किया है। उस आत्मा का नाम है आचार्य श्री रत्नाकर सूरी जी, एक अद्भुत नाम, महावीर की पाठ परंपरा में एक उज्जवल नक्षत्र। फिर नाम में उच्चारित करूं, आचार्य श्री रत्नाकर सूरी जी महाराज लगभग विक्रम की 1320 शताब्दी में
उनका जन्म हुआ। और ये घटना है धंधु का, धोल का, अहमदाबाद के पास धोल का और धंधु का, उसके आसपास की ये घटना है। रत्नाकर सूरी महाराज साहिब की चार विशेषता, बट टू दी पॉइंट चले समय की अपनी मर्यादा में। रत्नाकर सूरी महाराज की पहली विशेषता थी सकल शास्त्रों के जानकार थे, शास्त्रों के पारंगत थे साहब। महावीर के 32 आगम को वो घूंट घूंट कर पी गए थे, नॉट ओनली महावीर के शास्त्रों को, वेदों को भी जानते थे, उपनिषद को भी जानते थे, पुराणों को भी जानते थे, समस्त शास्त्रों के पारंगत थे। पहली विशेषता याद रखना मित्रों। दूसरी विशेषता, रत्नाकर सूरी के सामने कोई भी पंडित अपने आप को पंडित कहने का साहस नहीं कर सकता। रत्नाकर सूरी के सामने खड़ा होना यानी सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात। उनके सामने और कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई मायना नहीं रखते थे, उसका कोई मूल्य नहीं था साहब। इतना ज्ञान का हिमालय था वो कि उसके सामने सारे पंडित फीके पड़ते। कोई पंडित अपना परिचय देते समय पंडित शब्द यूज नहीं करते थे। तीसरी विशेषता थी रत्नाकर सूरी जी की कि एक पद के, एक श्लोक के, एक गाथा के वो अनेक सुसंगत अर्थ कर लेते थे। कोई भी एक पद उनको शास्त्र का दे दो, महीनों तक उसके अर्थ कर सकते थे और सभी अर्थ पंडितों के द्वारा मान्य, सुसंगत अर्थ, कोई उसके अर्थ को नकार नहीं सकते। 6-6 महीने तक एक श्लोक का अर्थ करने का सामर्थ्य उसके पास था। तो ये विशिष्ट शक्ति थी, एक पद के अनेक अर्थ करने की शक्ति, विशिष्ट प्रतिभा थी। और चौथी महत्व की बात, पहली बात सकल शास्त्रों के पारंगत, दूसरी बात कोई पंडित उसके सामने पंडित कहलाने का साहस नहीं करता था, तीसरी विशेषता एक पद के अनेक सुसंगत अर्थ करने की विशिष्ट शक्ति, और चौथी महत्व की बात उस जमाने में ढोल का, धंधु का के जब उस नगर में राजा के द्वारा एक विरुद्ध दिया गया था अनेकार्थवादी का, अनेक अर्थ करने वाले ये वादी संत थे, इसके लिए नाम पड़ा अनेकार्थवादी रत्नाकर सूरी महाराज। अनेकार्थवादी याद रखना, अनेक अर्थ करने वाले, एक चीज के अनेक अर्थ करते, ये चार उनकी विशेषताएं थी। और रत्नाकर सूरी जी का पुण्य इतना प्रबल था कि राजा और प्रजा दोनों के द्वारा खूब सम्मानित थे, इतना सम्मान उनको मिलता था कि भल भला आदमी भी, नम्र से नम्र आदमी भी सम्मान में अहंकारी बने बिना नहीं रहता। मुश्किल ये खड़ी हुई, पुण्य तो प्रबल था लेकिन आत्मस्थिति शायद इतनी मजबूत नहीं थी। रत्नाकर सूरी जी महाराज को अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, घमंड आ गया, मेरे जैसा कोई आचार्य शायद वर्तमान में पूरे गुजरात में देखने को न। तो मुश्किल यह थी कि जब इतना सम्मान प्रजा के द्वारा और राजा के द्वारा मिलने लगा, इस सम्मान में वो आपा भूल गए। और एक बार तो ऐसा हुआ, राजा ने खुलेआम ऑफर कर दिया पूज्य रत्नाकर सूरी महाराज को
कि आपको मेरे वहां आने के लिए पैदल चलकर विहार करके आने की जरूरत नहीं है, मैं पालखी भेजूंगा और आप पालखी में विराज कर मेरे वहां आएंगे। जब राजा के द्वारा प्रजा के द्वारा मान सम्मान मिला तो आचार्य अपने आचार में शिथिल होने लगे, नियमों में बांध छोड़ करने लगे। और चार मुश्किली खड़ी हुई। पहली मुश्किली पालखी का उपयोग जो आचार्य को नहीं करना चाहिए, डोली का उपयोग। चार लोग अपने कांधे पर लेकर आचार्य महाराज को उपाश्रय से राज दरबार में ले जाते हैं और नित्य क्रम। तो पालखी का प्रयोग आचार्य को साधु को करना कल्पता नहीं है, ये प्रयोग करना शुरू किया, पहली तकलीफ। दूसरी तकलीफ, अब जब एक एक मुश्किली, एक त्रुटि होती, एक आदमी भूल करता है तो फिर अनेक भूल करना शुरू होती है। दूसरी भूल ये शुरू हुई, जब राजा के वहां जाने लगे तो स्वादिष्ट भोजन गोचरी में रोज मिठाई, रोज काजू बादाम पिस्ता, रोज अखरोट, रोज मालपुआ। तो ये और आचार्य को तो जो सहज मिले उनके लिए बनाया हुआ खाना न मिले वो खाना खाएंगे ना, तो ये दूसरी प्रॉब्लम, रोज स्वादिष्ट आहार आचार्य को मिलने लगा। आचार्य की तीसरी प्रॉब्लम थी, अब राजा महाराजा के द्वारा जो सम्मानित, तो फिर कहना क्या। तीसरी प्रॉब्लम, कीमती वस्त्र साधु को ओराने लगे, बड़े बड़े कीमती वस्त्र जो गृहस्थ को भी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे कीमती वस्त्रों राजा के दरबार में ऑफर किए जाने लगे। और चौथी प्रॉब्लम कि जब वो पालखी में जाते थे तो रास्ते में सारे लोग रत्नाकर सूरी जी का जय जयकार करते, इतना नहीं लोग मोती और माणिक की ऑफर करते, मोती और माणिक की मालाएं उनके चरणों में रखते, और नियम में शिथिल होने के कारण ये माणिक और मोती की मालाएं भी एक्सेप्ट करने लगे। जो साधु तो अकिंचन होता है, परिग्रह का त्यागी होता है, लेकिन वो लेने लगे। तो ये चार मुश्किल याद रखना, राजा के द्वारा पालखी में आने जाने लगे, नंबर वन स्वादिष्ट आहार करने लगे, नंबर दो उत्तम कीमती वस्त्र पहनने लगे, नंबर तीन और मोती माणे की भेंट समाज के द्वारा स्वीकार करने लगे, ये चौथी मुश्किली। तो ये चार मुश्किली खड़ी हुई। और अब रोज का क्रम, रोज इस तरह से आने जाने लगे, तो एक बार जब पालखी में उस राज दरबार में जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक श्रावक। वो श्रावक भी धोल का धंधुका के आसपास में रहने वाला और घी का व्यापारी, घी का बिजनेस करता था, और घी का कुंडला जिसको गाडवा बोलते हैं, अपने गुजराती में गाडवा बोले, घी ना कुंडला लेने ये धंधो कर बेच दो। तो घी के कुंडला बेचने के कारण उसका नाम पड़ गया कुंडलिया श्रावक। याद रखना श्रावक का नाम कुंडलिया श्रावक। वो कुंडलिया श्रावक जन्म से जैन नहीं था, लेकिन जैन धर्म के प्रति आस्था रखता था, इतना ज्ञानी था वो, शास्त्रों का वो भी पारंगत था, वो भी संस्कृत जानता था, प्राकृत जानता था, बार व्रत जानता था, जैन दर्शन का अभ्यासी था। वो एक बार वहां से निकल रहा था, अब सुनिएगा जरा, बहुत मूल मुद्दे पर मैं जा रहा हूं। वो जब वहां से निकल रहे थे तो सामने से पालखी पर आचार्य श्री रत्नाकर सूरी जी जय जयकार के नारे के साथ में राज दरबार में जा रहे थे। इस श्रावक ने सोचा, कुंडलिया श्रावक ने, आचार्य महाराज जैन धर्म के इतने बड़े आचार्य,
पंच महाव्रतधारी अकिंचन अपरिग्रही और पालखी के ऊपर जय जयकार के नारों के साथ हीरे और रत्नों की बोछार उड़ रही है। सोचा कि आचार्य अपने मूल साधुपने से भटक रहे, उसको रास्ते पर लाना चाहिए, लेकिन छोटे मुंह बड़ी बात, मैं कैसे लाऊं रास्ते पर, मैं तो छोटा श्रावक, मैं क्या कर सकता हूं। उस कुंडलिया श्रावक की विशेषता थी कि कुंडलिया श्रावक साधु को पिता समान मानते थे। कुंडलिया श्रावक साधु अगर समान उम्र के हो तो मित्र के समान मानते थे, साधु अगर छोटा है तो साधु को पुत्रवत मानते थे। साधु के प्रति एक दिल में पवित्र भाव था, और कोई साधु रास्ते से भटक जाए तो कुंडलिया श्रावक सहन नहीं कर सकता था। तो सोचा कि क्या करूं, कैसे उसको रास्ते पर लाऊं। तो रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने एक तरकीब खोजी। तरकीब ये खोजी कि जब वो आ रहे थे, एकदम नजदीक आए, तो कुंडलिया श्रावक ने अपने पांव के नीचे के जूते उतार दिए, साइड में रख दिए, और जूते उतार कर हाथ जोड़कर पालखी में विराजमान आचार्य को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, और वंदन करते हुए कहते हैं अपनी शास्त्रों की भाषा में, गोयम सोयम जम्बु पभवो सिज्जम भवो आयरिया अन्नेवी जुगप्पहोणा तुह दिठे सव्वेवी ते दिठा तुह दिठे सव्वेवी ते दिठा। इस श्लोक बोलते हैं। अब सिंगापुर में रहने वाले को इसका अर्थ क्या पता तो मैं थोड़ा अर्थ करूं, बड़ा गहरा अमामम क्या बोलते हैं, चप्पू से धार करो चमड़ी पर तो खून ना निकले साहब, इतना गहरा श्लोक और इतने बड़े संस्कृत के विद्वान रत्नाकर सूरी जी के सामने वंदना करते हुए प्रस्तुत किया और कहा कि हे गुरुदेव, वंदना कर रहे हैं, सुनिएगा, हे गुरुदेव, आपके मैंने जब दर्शन किए ना अभी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने गौतम स्वामी के दर्शन कर लिए। आपको दर्शन किया आपका तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सुधर्मा स्वामी के दर्शन कर लिए, मैंने जम्बू स्वामी के दर्शन कर लिए, मैंने प्रभव स्वामी के दर्शन कर लिए, मैंने स्वयंभव स्वामी के दर्शन कर लिए, और जितने भी आचार्य हो चुके मैंने सबके दर्शन, आपके अंदर में गौतम स्वामी देख रहा हूँ, आपके अंदर में सुधर्मा स्वामी देख रहा हूँ, आपके अंदर में जम्बू स्वामी का देख रहा हूँ, आपके अंदर सारे प्रभावी आचार्य को देख रहा हूँ। जब इतनी बड़ी स्तुति की रत्नाकर सूरी जी को, और वो पालखी में विराजमान, और कहते आपके अंदर सुधर्मा स्वामी के दर्शन हो रहे, शर्म के मारे गर्दन नीचे झुक गई साहब, और ऐसी स्तुति सुनकर आचार्य श्री ने कहा, हे कुंडलिया, काग को हंस की उपमा देना ठीक नहीं है, कौवे को हंस की उपमा, एक कागड़ा ने हंसनी उपमा आप भी योग्य नथी। एने लाग्यू के हूँ हंस नथी, हूँ गौतम नथी, हूँ सुधर्मा नथी, हूँ जम्बू नथी, हूँ पालखीमा राजानी सवारी मा जई रह्यो छू, गौतम अने जम्बू नी बाजू में बेसवानी पण मारी त्रेवड नथी। अने पछी कहे छे के हे कुंडलिया, याद रखना एक मेरी बात, उन महान आचार्यों का एक गुण भी, कौन बोल रहा है, रत्नाकर सूरी, उन महान गौतम स्वामी जम्बू स्वामी आदि आचार्यों का एक गुण, अनंत गुणों में से एक गुण भी मेरी जिंदगी में एक बार भी थोड़ी मिनट के लिए भी अगर आ जाए न तो मेरी आत्मा निर्मल हुए बिना नहीं रहे। कहने का मतलब, इन महापुरुषों का एक गुण भी मेरी जिंदगी में नहीं है। और तुम कहते हो कि मैंने गौतम महावीर बुद्ध इन सब महापुरुषों को आप में मैंने दर्शन कर लिया। कुंडलिया श्रावक को लगा
कि मूल तो मजबूत है, मूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रद्धा मजबूत है, जिनेश्वर की भक्ति पूरी पूरी है, महावीर की वाणी में इसको कोई डाउट नहीं है, थोड़ा मोह का अटैक हो गया है, थोड़ा मोह की चोट लगी है, इसीलिए ये भटक गया है, बाकी आत्मा तो इसकी खराब नहीं है, इसको चांसेस है कि वो रास्ते पर आ जाएंगे, चांसेस है कि वो साधुपने के मूल मार्ग पर आ जाएंगे। अब क्या करे, रोज वो प्रवचन देते थे, कौन, रत्नाकर सूरी महाराज रोज व्याख्यान देते थे, कुंडलिया श्रावक रोज व्याख्यान सुनने जाते थे, सुबह का दिन पहला ही दिन 5 महाव्रत पर प्रवचन। सुनिएगा ध्यान से मित्रों, चाय कॉफी हो तो साइड में रख देना, हालांकि हमारे सिंगापुर के श्रावक जागृत है, पूरे भाव से सुन रहे हैं, आपके चेहरे में दिख रहा है, वो बड़ी खुशी की बात है, राजेश भाई हाथ जोड़ के नम्रता से सुन रहे हैं। तो मैं विनंती करूं, वो 5 महाव्रत पर प्रवचन शुरू किया, पहला महाव्रत पहले दिन प्रवचन दिया, अहिंसा महाव्रत। समय की मर्यादा है, मैं बहुत लंबा नहीं चल पाऊंगा, अहिंसा महाव्रत का प्रवचन सुना, और प्रवचन के बाद में रत्नाकर सूरी ने कहा, समझ में आई कुछ बात? कुंडलिया ने कहा, हाँ बाप जी, आपकी पूरी बात समझ में आ गई, धन्यवाद, आपकी वाणी धन्य हो, धन्य हो। दूसरे दिन सत्य पर प्रवचन दिया, फिर प्रवचन के बाद रत्नाकर सूरी ने कहा, कुंडलिया समझ में आया सत्य महाव्रत? हाँ गुरु महाराज, सत्य महाव्रत बिल्कुल समझ में आ गया, थैंक यू, खूब खूब धन्य हो आपकी वाणी। फिर तीसरे दिन अचौर्य पर प्रवचन दिया, समझ में आ गया जी महाराज, अच्छी तरह, पूरा गले में घूंट उतर गई। चौथे दिन ब्रह्मचर्य की बात कही, समझ गया महाराज, बहुत अच्छी बात, क्या आपका ज्ञान, क्या आपकी श्रुतवाणी। पांचवे दिन जब अपरिग्रह पर प्रवचन दिया, और प्रवचन देने के बाद में जब वो अपने कमरे में विराजते हैं, कुंडलिया श्रावक ने कहा, थोड़ी देर आपकी उपासना कर सकता हूं? अरे करो करो श्रावक साहब, और कहा कि एक प्रश्न का मुझे जवाब दे सकते हो? क्या प्रश्न, बोलिए। और तब कहते हैं कि कुंडलिया श्रावक उपदेश ना उपदेश माला ग्रंथ, एक ग्रंथ का नाम है, उपदेश माला ग्रंथ की एक गाथा का अर्थ पूछते हैं, एक श्लोक का अर्थ पूछते हैं, और पूछते हैं कि हे गुरु महाराज, एक श्लोक का मुझे अर्थ समझ में नहीं आ रहा, अब समझाओ। वो श्लोक क्या था? दोष सय मूल जालम पुव ऋषि विवज्जियम जयवंतम अथम वहसी अणत्थम कीस अणत्थम तव चरसी। हे गुरु महाराज, ये उपदेश माला ग्रंथ की एक गाथा है, इसका अर्थ मुझे समझाओ। अब एक श्लोक के अनेक अर्थ करने का जिसका सामर्थ्य था, धड़ाधड़ अर्थ करने लगे, ऐसा अर्थ किया और कुंडलिया को पूछा, समझ में आया? कुंडलिया श्रावक ने कहा, गुरु महाराज समझ में नहीं आया हो, समझ में, क्षमा करना, आप बड़े ज्ञानी हो, एक एक श्लोक के बहुत गहरे अर्थ कर लेते, लेकिन आपने जो आज कुछ बोला ना अर्थ मुझे गले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया। कहा कि कल आना, फिर कल समझाऊंगा। फिर दूसरे दिन व्याख्यान के बाद रोज का क्रम, फिर दूसरे दिन कहा, गुरु महाराज वो कल के श्लोक का अर्थ। दूसरे दिन अनेक अर्थ करने वाले का सामर्थ्य देखो साहब, दूसरे दिन दूसरा अर्थ किया उसी श्लोक का, पूछा समझ में आया? गुरु महाराज नहीं आया समझ में। तीसरे दिन फिर तीसरा अर्थ किया, लंबी बात ना करूं, साहब कहते हैं कि 6 महीने तक ये डायलॉग चला, रोज नया अर्थ, एक श्लोक का 6 महीने तक, और हर अर्थ हर पंडित को मान्य, ऐसा नहीं कि हवा में फेंकने वाला अर्थ, कोई संस्कृत का ज्ञानी हो तो कहेगा बिल्कुल ये अर्थ सही, 6 महीने तक अर्थ करते गए, एक भी अर्थ को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन कुंडलिया कहता है समझ में नहीं आया। 6 महीने के बाद कुंडलिया ने कहा, प्रभु मैं तो संसारी ठहरा,
घी का धंधा करता हूँ, 6 महीना अटक गया, अब घर पे खाने को रोटी नहीं है, मैं जाऊं धंधा करूं, लेकिन आपसे मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि आप इसका सही अर्थ न कर पाओ। मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा अंदर दर्द हो रहा है कि मैं जो अर्थ जानना चाहता था आपके मुख से वो अर्थ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आचार्य ने कहा एक रात वो रुक जा, कल मैं उसका सही अर्थ करूंगा, एक रात रुक जा। कहते कि कुंडलियां रात को रुक गए, कोई बात नहीं, 6 महीना एक रात उपवास कर लेंगे घर पे, लेकिन अर्थ अगर आप करने के लिए तैयार है तो मैं एक रात और रुक जाता हूं। रुक गए। अब सुनिएगा साहब, एक रात का अवसर मिला, रत्नाकर सूरी जी आंख बंद करके रात्रि प्रतिक्रमण करने के बाद में सोचने लगे कि 6 महीने तक मैंने अर्थ किया, इस श्रावक को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बाप निकला, सवाया निकला, और अंदर में तो वो जानते थे रत्नाकर जी कि इसका मूल अर्थ क्या है, ज्ञानी तो समझता ही था कि इसका मूल अर्थ क्या उनको मालूम, लेकिन क्यों नहीं करते थे? मूल अर्थ इसलिए नहीं करते थे कि अपनी पोल निकल जाए। अब मूल अर्थ क्या है वो मैं आपको बता दूं, जो रत्नाकर सूरी ने बताया, और मूल अर्थ बताने के पहले रात को आत्मनिरीक्षण करके अपनी अपनी अंदर की त्रुटियां देखी साहब, एक आचार्य भी भीतर झांकता है तो अंदर कितना कचरा पड़ा है। आचार्य की प्रॉब्लम क्या थी, उसको रत्नों का और मोतियों की माला का बड़ा मोह था, जो जो देते थे ना वो छुपा के रख लेते थे, ओघे के अंदर, वो जो साधु का ओघा होता ना, ओघे के अंदर वो माला लटका के रखते थे, और वो ओघा भी किसी साधु को उसको उसका पलेवण करने नहीं देते थे, ओघा के अंदर वो रत्नों की मालाएं सब छुपा के। उसने सोचा मैं आचार्य, मैं 5 महाव्रत पर प्रवचन दू, मैं अपरिग्रह की बातें करूं, और मैं रत्नों को खुद रखता हूं मेरे पास, धिक्कार है मुझे। साहब उसी रात को अपने साधुओं को बुलाकर कहा कि रत्नों का डब्बा बाहर फेंक के आ जा, रत्न का डब्बा मुझे रखना मेरे साधुता के विरुद्ध है। दीक्षाली तप से रत्नों का शौकीन साधु साहब, देखो एक छोटी सी कमजोरी भी साधुता खत्म कर देती है, और एक साधु को बुलाकर रत्नों का डब्बा फेंक दिया, शुद्ध रूप में अपरिग्रही हो गए, जो मोह था निकाल दिया, जो परिग्रह था छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन सुबह व्याख्यान में प्रवचन के बाद में रत्नाकर सूरी जी ने कहा कुंडलिया अब सुन, मैं आज लास्ट अर्थ बताता हूं, और लास्ट अर्थ बताते हुए कहते हैं कि इसका अर्थ मूल अर्थ है, सैकड़ों दोषों को उत्पन्न करने की जड़, दोष सय मूल जालम, सैकड़ों दोषों को उत्पन्न करने की जड़ है रूट ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम्स, एंड जाल के समान है, जैसे जाल में मसलियां फंसती है वैसे इस जाल में सारी बुराइयां फंसती चली जाती। ये जाल है पूर्व ऋषियों के द्वारा, पूर्व साधुओं के द्वारा, पूर्व मुनियों के द्वारा, जिसका त्याग किया गया है, और सभी अनर्थों की खान है ऐसे धन को जो पास में रखता है, वो धन को रखने वाला फिर साधु कितना ही तप करे, कितना ही त्याग करे, कितनी ही माला गिने, वो साधु जो पास में परिग्रह रखता है और त्याग करता है, वैराग्य करता है, सब बेकार। समझ में आ रही बात? एक साधु के लिए अगर परिग्रह है और बाहर से त्याग करता जाए, बाहर से ज्ञान अर्जित करता जाए, सब बेकार। साधु के लिए परिग्रह का त्याग, धन के परिग्रह का त्याग अनिवार्य है। यह अर्थ जब किया और कुंडलिया को पूछा बेटा समझ में आया, गुरु महाराज एकदम समझ में आ गया, धन्यवाद आपकी, आज मैं मालो माल हो गया, 6 महीना यहाँ रहा, सोचा समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सार्थक हो गया 6 महीना। अंदर में जानते थे रत्नाकर सूरी कि मुझे जगाने आया है, ये मेरा उपकारी है,
मेरे माँ बाप के समान है। कुंडलिया, जिन शास्त्रों ने मेरी आंख नहीं खोली वो आंख तूने मेरी खोल दी। जिंदगी भर तुझे उपकार के रूप में याद रखूंगा। कुंडलिया श्राव करवाना होते हैं और इस तरह गुरु महाराज ध्रुस के रखते हैं। क्या करूं मैं, इसका प्रायश्चित कैसे करूं, इसका प्रतिक्रमण कैसे करूं, इस दोष की आलोचना कैसे करूं। और जैन इतिहास कहता है कि ये रत्नाकर सूरी जी इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए सिद्धगिरी के शिखर पर जाते। सिद्धगिरी का शिखर यानी शत्रुंजय, सिद्धगिरी का शिखर यानी पालीताणा, और पालीताणा के डूंगर पर जाकर आदिनाथ भगवान की विशाल प्रतिभाशाली प्रतिमा के सामने इसका प्रायश्चित करते हैं। और प्रायश्चित करने के लिए 25 श्लोक की रचना करते हैं। जैसे मानतुंगाचार्य ने भक्तामर की रचना की, हर आचार्यों ने अपने प्रायश्चित के रूप में अनेक अनेक गाथाएं दी, रत्नाकर सूरी ने ये 25 श्लोक आदिनाथ के सामने प्रायश्चित के रूप में रखे। और इसलिए नाम पड़ गया रत्नाकर 25। हर समझदार संस्कारी सावक रोज सुबह उठकर इस रत्नाकर 25 का पाठ क्यों करता है? रत्नाकर 25 में क्या है? रत्नाकर 25 में रत्नाकर सूरी ने जो जो गलतियां की उस गलतियों का आत्मनिवेदन है, प्रभु के सामने एक करार है। हे प्रभु, मैंने क्या क्या गलतियां की, हे आदिनाथ भगवान, मैंने क्या क्या साधु बनने के बाद किया जो मुझे नहीं करना, मैंने जिन शासन को कलंक लगाया है, मैंने ढोंग किया है, मैंने दंभ किया है, मैंने धतिंग किया है। इस तरह से भगवान के सामने अपना दिल खोल देते हैं। अब इस अर्थ में रत्नाकर 25 को सुनना, रोबोट की तरह नहीं, भाव से सुनना। मैं विनंती करूं केनल भाई को कि एक सैंपल के रूप में दो गाथा आपके सामने प्रस्तुत करें, नौवीं और ग्यारहवीं गाथा अगर अगर सुन सके, अगर सबको सुना सके। आवाज आ रही है जी? समझिए, स्लाइड्स अच्छे, सॉरी स्लाइड्स में अच्छे, वर्ड्स ओ वर्ड में अच्छे। ओ ओके ओके, मुझे अच्छा उसको प्ले नहीं कर सकते ना? हाँ सॉरी, उसको प्ले कर सकते हैं? प्ले समझी, प्ले तो नहीं अरेंज करूं। ओके कोई बात। तो उसकी ऐसे जानने वाले बताने खबर छे, नहीं गाथाओ अद्भुत गाथाओ छे। तो एमानी आप बे गाथा छे, एमा कहे छे के थोड़ू जरक सेंटर में, हाँ अजू ऊंचू करो तो जरक थोड़ू अप गो अप। हाँ, गाथा कहे छे, ठगवा विभुआ विश्व ने वैराग्य ना रंगो धर्या, नवमी गाथा ने धर्म ना उपदेश रंजन लोक ने करवा करया, विद्या भण्यो हूँ वाद माटे केटली कथनी कहूँ, साधु थयो हूँ बाहर थी दाम्भिक अंदर थी रहो। आ तो खाली सैम्पल छे, आ एक एक गाथा मा रत्नाकर सूरी जी पोते करेली भूलोनो एक करार छे। ठगवा विभुआ विश्व ने वैराग्यना रंगो धर्या, हूँ वैराग्यना आ बदा कपड़ा सुकाम पहेर्या छे आ दुनिया ने ठगवा माटे, ऊपर थी हूँ वैराग्य मानु छु, पण मारी अंदर हजू पण रत्नोनो मोह, हजू पण मोतियोनो मोह, हजू पण आ मोह छूटतो नथी, ने धर्मना उपदेश रंजन लोक ने करवा कर्या, અને લોક રંજન માટે લોકોની વાહવાહી માટે ધર્મના ઉપદેશ આપ્યા મેં, વિદ્યા ભણ્યો હું વાદ માટે, અને આ બધી શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ હું વાદ વિવાદ માટે મારો પ્રભાવ પાડવા માટે કર્યો, સાધુ થયો હું બહારથી દાંભિક અંદરથી રહ્યો, બહારથી સાધુ બનો
પણ અંદરથી મારી અંદર કેટલા બધા દુર્ગુણો છે. આગળની ગાથામાં કહે છે, નવકાર મંત્ર વિનાશ કર્યો, અન્ય મંત્રો જાણીને બીજા લોકોને પ્રભાવિત કરવા માટે એવા એવા મંત્રોનો પ્રયોગ કર્યો જેના કારણે નવકાર મંત્રને ભૂલી ગયો. કુશાસ્ત્રના વાક્યો વડે ભણી આગમોની વાણીને અને કુશાસ્ત્રોનો સહારો લઈને એક પ્રલોભનનો સહારો લઈને આગમની ભગવાનની વિતરાગ વાણીને મેં ડિલીટ કરી નાખી, હણી નાખી. કુદેવની સંગત થકી કર્મો નકામા આચર્યા અને કુદેવની સંગત લૌકિક દેવતાઓની સંગત લઈને મેં કેટલાય ખરાબ કર્મો નું અર્જન કર્યું છે. અજ્ઞાનના કારણે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપે રત્ન ગુમાવી અને આ કાચના બહારના કટકા માટે મેં મારી જિંદગીને, મારા પાંચ મહાવ્રતોને મેં મારા ખલાસ કરી દીધા. આવા જરા ઉદ્ગાર છે સાહેબ. હું વિનંતી કરું સૌ શ્રાવકોને, આજે આવતીકાલે આપણે મળીએ ના પહેલા આ રત્નાકર 25 આંખ બંધ કરીને મેડિટેટિવલી એકવાર સાંભળજો. ઓરિજિનલી રત્નાકર સુરીજીને આદિનાથ કે સામને પાલિતાણા મેં સંસ્કૃત મેં સંગાન કિયા થા. એ તો હમારા સદભાગ્ય હૈ કે હમકો ગુજરાતી મેં પ્રાપ્ત હુઈ હૈ. એક શ્રાવકને ઇસકા ગુજરાતી મેં ગીત મેં સંગીત મેં ઉસકા અનુવાદ કિયા હૈ. શ્રાવક કા નામ આપ સબકો સોચના હૈ ક્યા હૈ. મેં ફિર કલ ઇસકે બારે મેં આપસે બાત કરૂંગા. લેકિન એ રત્નાકર 25 રત્નાકર સુરીજી દ્વારા પ્રાપ્ત હુઈ હમ સદભાગી હૈ. હમે ઉપકાર મહેસૂસ કરના ચાહીએ કુંડલિયા શ્રાવક કા કે ઉન્હોને અગર એ ડાયલોગ નહીં કિયા હોતા તો રત્નાકર સુરી જાગતે નહીં ઓર હમે રત્નાકર 25 મિલતી નહીં. પ્રતિક્રમણ દેખો તો ઇસ રત્નાકર સુરીજી કે દ્વારા હમ પ્રાપ્ત કર સકતે. હમ પ્રતિક્રમણ કરતે રત્નાકર સુરીજીને પ્રતિક્રમણ કિયા, ઉન્હોને પ્રાયશ્ચિત કિયા, ઉન્હોને આત્મનિવેદન કિયા, ઉત્મન આત્મા આલોચના કી ઓર એક શ્રાવક કે સામને એક આચાર્યને અપની ગલતી સ્વીકાર કી કે મેં ભ્રમિત હો ગયા, મેં મોહમેં આ ગયા, મેં અહંકારમેં આ ગયા, રાજા કે ચક્કરમેં પડકર, માન સન્માન કે ચક્કરમેં પડકર મેને જિંદગી બરબાદ કર દી. લેકિન અબ મેં જાગ ગયા હું, અબ મેં એસી ગલતી કભી નહીં કરૂંગા. ઓર મેં શ્રાવકો સે પૂછતા હું, કલ જરા જવાબ ખોજ કે લાના કે ઇસકા એ ગુજરાતી ગીત મેં અનુવાદ કિસને કિયા હૈ. મુજે તો લગતા હૈ મિત્રો કે સંસ્કૃત મેં રત્નાકર સુરીજીને જિસ તરહ સે ગાયા હોગા, મુજે લગતા હૈ ગુજરાતી મેં ઉસસે ભી બઢિયા અનુવાદ કિયા હૈ. હમ ઇસકી લય દેખે, ઉસકા સંગીત દેખે, ઇતના અદભુત. મેં ચાહતા હતા કે આજ સુનાવું લેકિન થોડા કોઓર્ડિનેટ નહીં હો પાયા. તો આપ આજ સુનિયેગા ઇસકો અચ્છી તરહ. આજ દિન મેં જબ ભી ચાન્સ મિલે રત્નાકર 25-10 મિનિટ લગેગા. ઓર ઇસકા અનુવાદ કિસને કિયા થોડા સોચના, થોડા એક દૂસરે ડિસ્કશન કરના, નહીં તો મેં કલ બતાઉંગા. મેરે પાસ તો નામ હૈ હી. અબ મેં 5 પ્રશ્ન આજ આપકે સામને પૂછકર 6 પ્રશ્ન ફિર મેં વિરામ લેતા હું. ઇન 6 પ્રશ્નો કે જવાબ આપકો સોચ કર આના હૈ, ફિર મેં કલ ઇસકે બારે મેં થોડી બાત કરૂંગા. પહેલા પ્રશ્ન, આજ કી પૂરી ચર્ચા કા પહેલા પ્રશ્ન સબ જરા નોટ કર લે, યાદ કર લે. પહેલા પ્રશ્ન, કુંડલિયા શ્રાવક ને આચાર્ય શ્રી રત્નાકર સુરી કો માર્ગ પર લાને કે લિયે જો કિયા વો સમ્યક દર્શન કે 8 અંગો મેં કોન સા અંગ હૈ. મેને ઇનડાયરેક્ટલી હિન્ટ્સ દે દી હૈ, મેં ક્લિયરલી નહીં બતાઉંગા. મેં ક્લિયરલી મેને ઇસકો મેરી બાત મેં વિવેચન નહીં કિયા હૈ, લેકિન ઇનડાયરેક્ટલી હૈ. થોડા જ્ઞાન હોગા તો સમજ જાયેંગે. સમ્યક દર્શન કે 8 અંગ હૈ, નિસંકા, નિષ્કાંક્ષા, નિર્વિચિકિત્સા, મૂઢ દ્રષ્ટિ, ઉપગ્રહણ, સ્થિરીકરણ, વાત્સલ્ય, પ્રભાવના, સ્વયં સ્વયં સો. તો ઇન 8 મેં સે જો કુંડલિયા શ્રાવક ને આચાર્ય રત્નાકર સુરીજી કો માર્ગ પર લાને કે લિયે જો કુછ કિયા વો સમ્યક દર્શન કે 8 અંગો મેં સે કોન સા અંગ હૈ, ઉસકા નામ ક્યા હૈ, વો સોચ કે મુજે કલ બતાના. દૂસરા પ્રશ્ન હૈ, આચાર્ય શ્રી કી ભૂલ ક્યા થી, આચાર્ય શ્રી રત્નાકર સુરીજી કી મૂળ ભૂલ ક્યા થી, વો સોચના. મેને બાત કર લી હૈ. તીસરા પ્રશ્ન,
आचार्य श्री रत्नाकर सूरी जी का दर्शन करके कुंडलिया श्रावक क्या महसूस करते थे? चौथा प्रश्न, राजा ने आचार्य श्री को कौन सा बिरुद दिया और क्यों दिया, why and what? पांचवा प्रश्न, प्रवचन के बाद श्रावक ने आचार्य श्री को कौन से ग्रंथ का प्रश्न पूछा, वो ग्रंथ कौन सा? और छठा प्रश्न जो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है, रत्नाकर 25 का गुजराती अनुवाद किसने किया, जो हम गाते हैं मंगल छो मुक्ति तना मंगल्य क्रीड़ा ना प्रभु ने इंद्र नर ने देवता सेवा करे तारी विभु। अद्भुत छा, जेने पण પોતાના અંદરના દોષો જોવા હોય, આત્મનિરીક્ષણ કરવું હોય, કેવી રીતે આત્મનિરીક્ષણ કરાય એ રત્નાકર સુરીજી આપણને આ 25 શ્લોકોની અંદર આપણને બતાવે છે। તો હું મંગલ કામના કરું, સદભાવના કરું, આજનું આ વક્તવ્ય આપે ધ્યાનથી સાંભળ્યું છે એવું મને લાગે છે। થોડા કોઈક પ્રશ્નો હોય 5 મિનિટ તો આપણી પાસે સમય છે, એ પ્રશ્નો લઈ અને આજની ચર્ચાને આપણે પૂરી કરીશું। એનીબડી હેવ એની ક્વેશ્ચન, પ્લીઝ વેલકમ। જય જિનેન્દ્ર, anybody has any question, you can raise your hand in Zoom. We will unmute you and we will spotlight you. સમનજી, તમે આજે પ્રવચન શરૂ કર્યું ત્યારે તમે એમ કીધેલું કે તમારી વીકનેસ તમને પકડવાની છે। હવે આપણે બીજાની વીકનેસ તો ફટાફટ પકડી શકીએ છીએ, પણ પોતાની વીકનેસ તો પકડાતી જ નથી, એનું શું રહસ્ય છે કે બીજાનું આપણે જોઈ શકીએ છીએ પણ પોતાનું નથી જોઈ શકતા? હા, આમાં એવું છે કે બીજાનું જોવા માટે આંખો ખુલ્લી રાખવી પડે। આંખો ખુલ્લી રાખી એટલે આપણે બીજાનું દેખાય, ખુલ્લી આંખોથી ક્યારેય પોતાની વીકનેસ ના દેખાય। પોતાની વીકનેસ જોવી હોય તો આંખ બંધ કરવી પડે, કેમ કે વીકનેસ અંદર છે અને અંદરની વીકનેસ જોવા માટે અંદર જવું પડે। અંદર જવા માટે આ બે આંખ છે એ બાધક છે, એટલે એને બંધ કરવી પડે। તો હું પેલા તો અંદર એન્ટર થાઉં, પેલા તો એન્ટ્રી કરવી પડે ને, એન્ટ્રી કર્યા પછી ખબર પડે કે હોલમાં શું છે। તો આની અંદર એન્ટ્રી કરીએ તો ખબર પડે કે અંદર શું છે, અને એ એન્ટ્રી કર્યા પછી કેવી રીતે જોવું, તો જોવા માટેના કેટલા ક્રાઇટેરિયા છે એમાં અમુક આઉટલાઈન આપણે નક્કી કરીએ। આપણે જીન શાસનમાં એ આઉટલાઈન બધી આપી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારી અંદર ક્રોધ કેટલો છે ચેક કરીએ, આટલો આઉટલાઈન। અંદર શું જોવાનું, અંદર અંદર આપણને પ્રશ્ન તો થવો જોઈએ કે અંદર શું જોવું, તો ક્રોધ કેટલો જુઓ, ઈગો કેટલો છે જુઓ, ડિસીટ કેટલું છે જુઓ, લાલચ કેટલી છે જુઓ, ઈર્ષ્યા કેટલું છે જુઓ, સ્વાર્થ વૃત્તિ કેટલી છે, શોર્ટ ટેમ્પર કેટલું છે, જૂઠ બોલવાની આદત કેટલી છે। હવે આ એક એક પ્રશ્નો આપણે પેલા ક્રિએટ કરીએ, પ્રશ્નોનું લિસ્ટ બનાવીએ 25 પ્રશ્નોનું, જેમાં મારી વીકનેસ હોય, અને આપણે જયારે લોકોની સાથે વ્યવહાર કરતા હોય ત્યારે મને ખબર પડે કે હું ક્યાં ભૂલો કરું છું, મારી ક્યાં સ્ખલનાઓ થાય છે, મારી ક્યાં મિસ્ટેક થાય છે, મને આઈડિયા આવી જાય કે હું મારો અવાજ ઘણી વાર ઊંચો થઈ જાય છે, હું અપસેટ થઈ જાઉં છું, હું ઘણી વાર જૂઠું બોલું છું, તો હું જૂઠું કેટલું બોલું છું એટલે મને ખબર છે, એટલી કોને ખબર છે? તમારી પત્ની નહીં ખબર ન હોય, મારી વીકનેસ મારા છોકરાને ખબર ન હોય, હું મારા વિશે જેટલું જાણું છું ને તીર્થંકરે જાણતા નથી, એક અપેક્ષા એટલે હું શું છું મને અંદરથી ખબર છે। આચાર્ય રત્નાકર સુરીને ખબર હતી કે હું અંદરથી કોણ છું, ભલે ને મારું સન્માન કરે ને રાજા મને પાલખી મોકલે, પણ અંદરમાં તો મારા દોષ છે। એ અંદરમાં ઉતરીને તમે જુઓ કે મારી અંદર કઈ વીકનેસ છે જે મારા વ્યવહારને, મારા સંબંધોને, મારા મનને, મારી આત્માને બગાડે છે। એ જો તમે અંદર ઉતરીને જોઈ શકો તો ચોક્કસ તમને તમારા દોષો કમજોરીઓ પકડાઈ શકે નિશ્ચિત રૂપે। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, એની અધર ક્વેશ્ચન, એનીબડી હેવ? હા બોલો પરેશભાઈ, પેલા પન્નાબેન માઈક આપો। વંદનાબેન નમસ્વામી સમનજી, આપે એમ કીધું ને કે તપ કરીએ,
ઘણી માસ ખમણ પણ કરી લઈએ પણ આપણે આપણા દોષો ન જોયા હોય ત્યાં લગી આપણો વિકાસ ના થાય, તો એનો મતલબ એમ કે આપણે શું તપ કે તપસ્યા કે બીજા સ્વાધ્યાય કે એવું બધું ન કરવું જોઈએ ને પેલા દોષો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ? હા, બહુ સરસ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એવું છે કે તપ કરવાની સ્વાધ્યાય કરવાની કોઈ જ મનાઈ નથી. તમે કરો અને અને તમે તમારું ચેક કરો કે તમે આટલા વર્ષથી આટલી તપશ્ચર્યા કરી, આટલા વર્ષથી તમે આટલું સ્વાધ્યાય કર્યું, આટલી માળા ગણી, તમે પોતાનું ચેક કરો ને આટલું કર્યું. સાચે જ તમે તટસ્થ રીતે વિચારો કે અંદરમાં દોષો કેટલા ગયા એ તમે વિચારો. તપસ્યાથી દોષ જવાનું ડાયરેક્ટ કનેક્શન હોય તો મને કહો. એમાં બાહ્ય તપ તો ખાલી બહાર રહીને અટકી જાય છે ને, બાહ્ય તપ તો બાહ્ય રહીને અટકે. હા, પ્રાયશ્ચિત તમે કરો. પ્રાયશ્ચિત તો ક્યારે કરે? પેલા દોષ દેખાયતો ને. રત્નાકર સુરીજીને પ્રાયશ્ચિત કર્યું પણ ક્યારે કર્યું? પેલા દોષ દેખાણો એને. એટલે આ બાહ્ય કે આભ્યંતર તપ પણ પછી આવે છે. પેલા તો તમને દેખાવું જોઈએ કે મારી અંદર આ દોષ છે. એટલા માટે સ્વાધ્યાય કરવાનું, વાંચન કરવાનું, માળા. એટલે હું રોજ એક કલાક માળા ગણું. ચલો સપોઝ હું માળા ગણું છું, રોજ એક કલાક કરું, મને સારું લાગે, મને શાંતિ લાગે, મને મને બહુ આનંદ થાય. અને લોકો પાછા મને ધર્માત્મા કે પાછું એક એ બધા પ્રમાણપત્ર મળે અલગ, એ બધું ઓહો આ તો કેટલો કેટલો રોજ નિયમિત કરે. પણ મને ખબર છે કે મારી કમજોરી કેટલી છે અને એ કમજોરી લોક લાજના કારણે, લોક સન્માનના કારણે હું પ્રગટ નથી કરતો. કેમ કે હું બહારથી દંભી બનું છું. એ પ્રગટ કરવા માટે મારે અંદર જોવું જ પડશે કે મારી આ કમજોરી છે. એટલે તપ કરો, બહુ સારું છે, પણ તપની સાથે આ આત્મનિરીક્ષણ જરૂર કરો. સ્વાધ્યાય કરો પણ આત્મનિરીક્ષણ જરૂર કરો. દોષો તપથી નહીં દેખાય, ફરી ચોખ્ખું કહું, દોષો માળા ગણવાથી નહીં દેખાય. માળા ગણવાથી એકાગ્રતા આવશે, પ્રભુના ગુણોનું સ્મરણ થશે, દોષો નહીં દેખાય. દોષ તો આત્મનિરીક્ષણ કરવાથી જ દેખાશે. અને એ દેખાયા પછી તમે તપ કરો પ્રાયશ્ચિતનું, એ તો એના પછી તમે પ્રતિક્રમણ કરો તો બધું સાર્થક ને. એટલે તપ તો પછી આવે, પેલા તો દોષ દેખાવા જોઈએ. અને એના વગર જો તપ કરીએ તો, એને ભગવાને કીધું છે બાલ તપ, એ તો અજ્ઞાનીનું તપ છે. એટલે કામલી તાપસ લાખો લાખો વર્ષો સુધી માસક્રમણ કરતા હતા, લાખો વર્ષ, તોય કહે છે કે કઈ ન થયું. કારણ શું? કે એને આત્મ આલોચન ન કર્યું. આટલી વેલ્યુ છે આત્મનિરીક્ષણની, આટલી વેલ્યુ છે સેલ્ફ એનાલિસિસ. એટલે સ્વાધ્યાયની તપની કોઈ મનાઈ નથી, પણ તપ કરવા વાળાની બહુ મોટી જવાબદારી વધી જાય છે કે એની અંદર જો દોષો પડ્યા હોય તો દોષોને જોવા માટે આત્મનિરીક્ષણ એને કરવું જોઈએ. અને વાસ્તવમાં તો તપ આપણે એટલા માટે કરીએ છીએ કે હું બહારથી બધું પરિક્રમણ આ આરંભ સમારંભ છોડું જેથી હું અંદર જોઈ શકું મારા દોષો. એટલે તપ બહારથી આહાર છોડીને અટકી નહીં જવું જોઈએ, આભ્યંતર આરાધના થવી જોઈએ. ધેટ ઇઝ માય પોઈન્ટ. જી, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, મે બી ઇફ એનીબડી હેવ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, ધેન ટાઈમ વિલ બી ઓવર. કઠાની અંકલે હાથ રેઝ કર્યા છે એટલે એમને સ્પોટલાઇટ માં નાખું છું. સમજી, સોરી. હા, નમસ્તે. તમે શરૂઆત કરી ત્યારે કીધું, જો આપણે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવું હોય તો આપણને એક તો મનુષ્ય ભાવ મળ્યો એ દુર્લભ છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ તમે એમ કહો છો કે આપણે દોષથી ભરેલા છો. હવે દોષથી ભરેલા કહેવાથી આપણે આપણી જાતને એકદમ નીચી કરી નાખીએ છીએ, નેગેટિવ સિચ્યુએશનમાં લઈ જાય છે. તો સ્વાભાવિક રીતે આપણા વ્યવહારથી આપણને ખબર તો પડી જ જાય છે કે આપણે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાની જરૂર છે. કારણ કે આપણી એક્શન જે રિએક્શન લઈ આવે છે એનો એનાથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય. તો આપણે એ રીતે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરીએ તો આપણી જાતને આપણે એટલી નીચી ન ગણીએ, એ બરાબર છે? હા, ઓકે. તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન હે કે આપણે, હા, આપણે આપણી જાતને જો વારંવાર નેગેટિવ કહીએ કે મારામાં આ છે, મારામાં આ દોષ છે, મારામાં આ વીકનેસ છે, તો ઘણી વાર આપણી અંદર આપણને હીન ભાવના આવી જાય, આપણી અંદર એક શું કહેવાય ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ આવી જાય. પહેલી વસ્તુ યાદ રાખો
કે આપણી આપણું મનોબળ, આપણી આત્મસ્થિતિ એટલી મજબૂત હોવી જોઈએ કે દોષ જોવા છતાં પણ આપણી અંદર એ હિનભાવના ના આવી જોઈએ કે હું કેટલો કમજોર છું. એટલે બે વસ્તુ યાદ રાખો, એક છે ઉપાદાન, એક છે નિમિત્ત. એક છે મૂળ ગુણ, એક છે ઇતર ગુણ. મૂળ ગુણની અંદર જુઓ તો આત્મામાં અનંત જ્ઞાન છે, અનંત દર્શન છે, અનંત ચારિત્ર છે, અનંત તપ છે. મૂળ ગુણ જુઓ તો આત્માની અંદર અનંત સામર્થ્ય છે, અનંત ચતુષ્ટય છે. આત્મા તો શક્તિનો ભંડાર છે, પણ બહારથી માનસિક કમજોરીઓના કારણે, સંગતના કારણે, જે મેં મારા આત્માના મૂળ સ્વભાવ ઉપર આ બધી વસ્તુઓની કમજોરીઓને ઢાંકી દીધી છે અને એના કારણે હું જિંદગી પર ઠોકરો ખાતો રહું છું, એટલે દોષ પણ જોવા જોઈએ, વીકનેસ પણ જોવી જોઈએ. વીકનેસ એ ભાવે જોવાની કે વીકનેસ મારા આત્માનો સ્વભાવ નથી, વીકનેસ મારા આત્માનો મૂળ ગુણ નથી, પણ એ મારા આત્માને પતનમાં લઈ જાય છે. એટલે વીકનેસ તો હોવી જ ન જોઈએ, કમજોરી હોવી જ ન જોઈએ. સાથે સાથે આપણી વિશેષતાઓ પણ આપણે જોઈએ, આપણામાં આપણું કેટલું સામર્થ્ય છે, આપણે કેટલું સારું કરી શકીએ છીએ. હું સેવા કરી શકું છું, હું દાન કરી શકું છું, હું આ કરી શકું, એ જુઓ. પણ આત્માના વિકાસ માટે ગુણો જોવા કરતા દોષ જોવા વધારે સારું છે. જો રત્નાકર સુરીજીએ ગુણો જ જોયા હોત તો ક્યારેય એમની આંખ ખુલી ન હોત. આ દોષ જોયા, અને મૂળ તો એને ખબર જ હતી કે હું ભગવાન મહાવીર સ્વામીના શાસ્ત્રમાં આચાર્ય છું, હું જ્ઞાની છું, આ છું, એ તો એને ખબર જ હતી. તમારી અંદર જે સારી વસ્તુ છે એ તો છે જ, એ ક્યાંય જવાની નથી. પણ જે દોષ છે એ સારી વસ્તુને ઢાંકી દે છે, ખતમ કરી નાખે છે. એટલે દોષો ઉપર બરાબર અટેક થવું જોઈએ, દોષો ઉપર બરાબર નિરીક્ષણ થવું જોઈએ. અને દોષ મારો મૂળ સ્વભાવ નથી, આત્માની મૂળ ક્વોલિટી નથી, એ દ્રષ્ટિએ જુઓ. એટલે તમારી અંદર હિનભાવના નહીં આવે. તમારું આત્મા તો પરમ સામર્થ્યવાન છે, અનંત જ્ઞાન સંપન્ન છે, એમાં કોઈ દોષ નથી. સીધી ભાષામાં કહું તો આ સફેદ કપડું છે ને, આ સફેદ કપડું એકદમ ચોખ્ખું છે, આમાં ક્યાંય દાગ નથી. સફેદ કપડાની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, દાગ બહારથી પડ્યો છે. એ બહારથી જે દાગ પડ્યો છે એને ઘસીને કેમિકલથી સાફ કરવાનો છે. કપડું તો મૂળ સ્વરૂપે ઉજળું જ છે, એમ આત્મા ઉજળો જ છે. પણ દાગ લાગેલો છે, દાગ જો લાગેલો હોય તો એના ઉપર મારું ધ્યાન જવું જોઈએ. એ કપડા ઉપર સફેદ જરાક ચાયનો દાગ ધોળાય, તરત જ કેમિકલ એને એક મિનિટ રાહ નથી તો તેને ધોઈ નાખીએ છીએ. આપણે કહીશું કે હવે બે કલાક પછી ધોશું, આવતીકાલે ધોશું, તો દાગ જાય નહીં. એવી રીતે આપણી આત્મા ઉપર જે દાગો પડ્યા છે એને કાઢવા જોઈએ, એને 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 નીકાળવા જોઈએ. અને એમાં જરાય હિનભાવના ના આવવી જોઈએ. જે વીકનેસ છે તો છે, અને મારે દૂર કરવાની છે. હું નહીં કાઢું તો કોણ કાઢશે? એ ભાવથી એને કાઢવું. અને મૂળ મૂળ સ્વરૂપ યાદ રાખવું જોઈએ કે આત્મા શુદ્ધ છે, આત્મા પરમ શુદ્ધ અવસ્થામાં છે, સિદ્ધ અવસ્થામાં છે, સર્વજીવ છે, સિદ્ધ સમ, એ સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખીએ જેથી હિનભાવના ના આવે. પણ કમજોરીઓને ઓવરટ્રેક ના કરીએ, એને બાયપાસ કરીને એને રિમૂવ. બસ પરેશભાઈ, લગભગ સમય થઈ ગયો હશે બધાનો. થેન્ક યુ સમજી, તમારો બ્રેકફાસ્ટ પણ નથી થયો હજી, એટલે એના માટે ક્ષમા માંગી છી. બ્રેકફાસ્ટની ચિંતા નથી, હવે કરીશું ને. પણ આપણે બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે કાલે 10 વાગે શાર્પ પાછા જોઈન થજો. પ્લીઝ જોઈન, ભક્તિ થી શરૂ કરશું. સમજી વિલ લીવ અસ ઇન મેડિટેશન એ વિલ હેવ ધ પ્રવચન એન્ડ ક્યુ એન એ અગેન. સમજી જરાક મંગલ પાઠ કહીને આપણે આખા પ્રોગ્રામનો પૂરેપૂરો લાભ લેજો. પહેલા 15 મિનિટ ભક્તિ હોય છે, પછી 15 મિનિટ ધ્યાન હોય છે, અને પછી ફોલોઈંગ બાય પ્રવચન અને ક્વેશ્ચન આન્સર. 5 પ્રશ્નો 6 પ્રશ્નો મેં આપ્યા છે, એના ઉપર જરાક વિચાર કરીને આવીશું. બેટર કે જો તમે લખી શકો, તમારી ડાયરીમાં લખીને તૈયાર રાખજો, જેથી કાલે ફટાફટ આપણે એ 2-3 મિનિટમાં જવાબ લઈ અને આગળનો દોર ચાલુ કરીશું. મંગલ મંત્ર, મંગલ પાઠ. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોયે સભ્યસાહુણમ, એસો પંચ નમસ્કારો, સભ્ય પાવ પણાસણો, મંગલાણંચ સભ્યસિંહ પરમમ હવૈ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ, હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ, ચત્તારી લોગુત્તમા, હરિહંતા લોગુત્તમા, સિદ્ધા લોગુત્તમા, સાહુ લોગુત્તમા, કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોગુત્તમા, ચત્તારી શરણમ પવજ્યામી, અરિહંતે શરણમ પવજ્યામી, સિદ્ધે શરણમ પવજ્યામી, સાહુ શરણમ પવજ્યામી, કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્યામી,
अंगूठे अमृत वशे लब्धि तणा भंडार गुरु गौतम ने समरिय मन वांछित फलदातार सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम जिन शासन देव की। हूँ जरा पूछी लू बधाने क्लियर संभळाय छे ने? क्लेरिटी बराबर छे अवाज ने? एकदम बराबर छे ने, ने बधाने अनम्यूट कर दीधा छे એટલે તમે લોકો ગેલેરી વ્યૂ માં જઈને તમારો વિડિયો ખોલીને સમજીને સરસ રીતે વંદાભી નમન સ્વામી આજના દિવસ માટે આપણે કહી। हाँ, एक वस्तु एनाउंस करी दू मारा तरफ थी। आजे जे लेक्चर रेकॉर्ड थयु छे ए ऑलरेडी लाइव रेकॉर्ड हतु, यूट्यूब मा लाइव लोको जोता था, एथी रिले करवामां आवेलू अने यूट्यूब मा अवेलेबल छे। जेने पाछळथी कोईने जोवू होय पीस ऑफ माइंड राजकोट ए यूट्यूब चेनल मां जजो तमे, जस्ट यू नो यूट्यूब मां सर्च करजो पीस ऑफ माइंड राजकोट, ते अमारी यूट्यूब चेनल छे, एमां आजनुं लेक्चर त्यां अवेलेबल छे, कोई पण जोई शकशे। थैंक यू, जय जिनेंद्र। Vandami Naman Swami Samanji. You can all unmute yourself and say Vandami Naman Swami. Aji, aji. Vandami. Okay, we'll see all of you tomorrow at 10 a.m. sharp. Thank you and Jai Jinendra. Jai Jinendra.